पहले कुशल जेठी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए पहले बिजली का झटका दिया, अब पानी पर झटका दे दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम आदमी है उसको अब 100 रुपए का बिल जो है वो भरना पड़ेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे हमें, लेकिन आम जनता पर बोझ तो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुशल जेठी जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि चलो आज आपने इस विषय के ऊपर चर्चा करी, क्योंकि ऐसा भाषणों में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या बाकी लोग बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सही माने में हकीकत में आपको बताऊं कि जब राजा वीरभद्र सिंह सत्ता छोड़कर गए थे, जब माननीय जयराम ठाकुर जी ने सत्ता संभाली थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो 26,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर ऋण था। लेकिन पिछले 5 वर्ष जो श्री जयराम ठाकुर जी के रहे, उन्होंने 26,000 से 76,000 करोड़ तक जो है कर्जा वहां तक पहुंचा दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने आपको पता कि 1 लाख के बाद तो ऋण मिलना भी बंद हो जाएगा। इस करके हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने के लिए इन्होंने 5 साल अंदर ऐसी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, इन्होंने प्रदेश की वित्तीय हालात नहीं देखी, इन्होंने आंखें बंद कर करके ऐसे निर्णय लिए कि आज हिमाचल प्रदेश आज वित्तीय आपातकाल के अंदर से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि चाहे वो बिजली बोर्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या और भी जितने भी डिपार्टमेंट है, आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि मुझे लगता है कि अगर ये कठोर कदम नहीं उठाए, और छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे सहयोग से, मुझे लगता है ये हिमाचल प्रदेश के जो विभाग है फिर खड़े होंगे। अदरवाइज अगर ये कदम नहीं उठाएगी माननीय सुक्खू सरकार, तो ये इन डिपार्टमेंट्स को, इन विभागों को बंद करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप बताइए कि 76,000 करोड़, उसके बाद उस 76,000 करोड़ का कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार को, तो 5 साल के अंदर इन्होंने कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किया, इन्होंने वित्तीय कोई इसके ऊपर गौर ही नहीं किया, कोई कमेटी नहीं बनाई भाई हम ऋण ले कहां से ले, कहां खर्च करें, किस विभाग के, विभाग तो सरकार के अंडर ही है लेकिन वो इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं, लेकिन उन विभाग की दशा क्या हो चुकी है। अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो पानी का बिल आता है वो 2-2, 3-3 हजार रुपए तक बिल पहुंच चुका है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने चुनाव को देखते हुए इन्होंने घोषणा कर दी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल नहीं लेंगे, लेकिन वो आज इतना बड़ा नुकसान जल शक्ति विभाग को उठाना पड़ रहा है कि आज उनकी स्थिति जो ऐसी कि भाई आपने अपनी रिपोर्ट में उठाया कि 800 करोड़ बिजली के बिना और भी खर्चे बहुत है विभाग के, वो कहां से देगी खर्चा, सरकार के पास पैसा नहीं है। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चले दिल्ली मोदी जी के पास, हम भी इनके साथ चलते हैं, बोले मोदी जी आपका दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, जेपी नड्डा जी बहुत बड़े नेता हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके और अब मंत्री भी है, वो क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दिलाते, क्यों अभी जो बजट पेश किया माननीय मोदी सरकार ने क्यों सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर उन्होंने दया दिखाई, क्यों हिमाचल प्रदेश जिसको दूसरा घर मानते हैं उसको आर्थिक सहायता नहीं दी। मुझे लगता है आर्थिक सहायता वो दे ना, हिमाचल प्रदेश के आपको पता है इनकम के, इनकम और सोर्स के बहुत कम सोर्स है इनकम के हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी इनकम जनरेट करने के लिए ऊपर से भगवान की ऐसी मार पड़ी पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी कि आर्थिक मदद लोगों की करनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि जो पिछली वर्ष आपदा आई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 से ऊपर का एक पैकेज हिमाचल प्रदेश की तरफ से बना के लोगों को दिया, उनकी आर्थिक मदद करी, जहां 1 लाख रुपए मैक्सिमम मिलता था डैमेज का घर का, वहां 7 लाख तक दिए गए और सब लोगों को आर्थिक मदद, जितनी सरकार दुख में शामिल हो सकती है दुख में शामिल होकर उनकी आर्थिक मदद करी है, वो उस तरफ भी सरकार काम कर रही है, अपना सामाजिक निर्माण भी कर रही है, लेकिन अपने विभागों को बचाना भी है। आप स्थिति क्या है HRTC की, आपके सम्मुख है कि वो चाहे रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की बसें गई हो, मोदी जी की रैली में चुनाव, मैं पिछले अखबार में पढ़ा था चुनाव आयोग ने बसें किराए पे लिखी थी, उनका करोड़ों रुपए बकाया, 12-13 करोड़ चुनाव आयोग ने देना है, 10-20 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने देना है, तो ये स्थिति क्या, कहाँ चलेंगी बसें, कैसे इनके इनको आप उभार पाओगे इस वित्तीय संकट से, तो इस करके नई नीतियां लानी पड़ेंगी। हालांकि आपके सवाल का जो जवाब है, सीमा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, केंद्र से आप मदद की बात कर रहे हैं, सीमा ठाकुर जी देखिए आपसे मदद मांग रहे हैं, केंद्र से एक बार कह दीजिए जो मदद मांग रहे हैं कर दीजिए, सवाल तो हिमाचल की जनता का ही है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए कांग्रेस जो है, मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जब सत्ता में भी आई तो उन्होंने झूठ के पुलिंदे लोगों के सामने गड़े और उन्होंने झूठी आश्वासन और गारंटियां जो दी हैं वो उन्होंने वही दी और लोगों को उन्होंने बरगलाया
और अभी भी ये इतना झूठ यहाँ पर आंकड़ों में प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको थोड़ी सी करेक्शन की आवश्यकता है। मैं कहूंगी कि 2017 में जब माननीय जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार जब संभाला था, उस समय वीरभद्र सरकार जो छोड़कर गई थी तो 52,000 करोड़ का जो था वो हमारे ऊपर लोन छोड़ के गई थी, और 12,000 करोड़ की जो अन्य देनदारियां जो थी वो वीरभद्र सरकार छोड़ के गई थी। तो यहाँ पर इनको मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। और हमने जो है वो 18,000 करोड़ का जो है वो का लोन जो है भाजपा ने लिया था, तो ये जिस तरह की बातें ये सरकार को चलाने के लिए। और अभी मैं अगर इनकी बात करूं तो ये अभी तक जो है 25,000 करोड़ रुपया जो है सरकार को चलाने के लिए लोन ले चुके हैं। अगर इनको इतनी ही आम जनता की पड़ी है तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये जो लाभ के पद जो ये सीपीएस इन्होंने ये बना रहे हैं, जो लाभ के पद और इनपे जो ये सरकारी खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये आवश्यक था हिमाचल के लिए? आप ये मुझे सबसे पहले इनसे ये आंसर चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी सरकार जब पहले भी थी, जब पिछले साल भी आपदा आई थी, तो मोदी सरकार ने 1800 करोड़ का जो है बजट हमें दिया था, एंड साथ ही मदद की थी, आपदा मदद की थी। मोदी सरकार ने हमें घर दिए थे, 11,000 घर हिमाचल को दिए थे। ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने 4,000 करोड़ का जो बजट की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने वो भी डाला था जो एनडीआरएफ की टीम को बजट आता है, वो बजट इन्होंने उसमें डाला था, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट जिनके जो काम के लिए पैसा बंटा हुआ था उसको इन्होंने उसमें डाला था, जो मनरेगा का पैसा था उस बजट को इन्होंने उन सब में डाला था। तो किस तरह की बातें ये कर रहे हैं? और अभी भी माननीय मोदी जी, अगर स्पेशल स्टेटस अगर हिमाचल का बरकरार है तो वो इसीलिए बरकरार है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदर नरेंद्र मोदी जी ने उनको वो स्टेटस दोबारा दिया, अदरवाइज कांग्रेस की सरकार ने तो उसको खत्म कर दिया था। तो ये किस तरह की बातें जो है ये कर रहे हैं? और मैं दूसरी बात ये कहूंगी कि अभी भी हमारे जो नेता हैं वो उन्होंने वो जैसे ही त्रासदी हुई, माननीय जयराम ठाकुर जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, हमारी सांसद हैं कंगना जी, ये सब ये लोगों से मिले, और साथ ही साथ इन्होंने ये लोग जो है सेंटर भी गए, इन्होंने मोदी जी के पास भी इस बात को रखा, और मोदी जी ने खुद इस बात का आश्वासन दिया ट्वीट कर कि मैं जो हूँ हिमाचल के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आज जितनी भी डेवलपमेंट मैं बात करूंगी हिमाचल में अगर हो रही है, अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पर सड़कों का निर्माण अगर अच्छे ढंग से हो रहा है, यहाँ पर और कितनी फैसिलिटीज अगर मिल रही है, तो इसीलिए मिल रही है क्योंकि केंद्र की सरकार जो है हिमाचल को भरपूर साथ दे रही है। यहाँ पर रेलवे लाइन अगर बन रही है तो इसी वजह से बन रही है क्योंकि केंद्र की सरकार हिमाचल की डेवलपमेंट के लिए तत्पर है। तो इस तरह की बेतुकी बातें जो हैं ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जिस तरह के वादे इन्होंने आम जनता से किए थे, ये पहले आम जनता को ये क्यों नहीं बताते कि अगर हमने 1500 देना है तो उन्हीं बहनों को देना है जो हम कैटेगरीज निश्चित करेंगे, अगर हमने पानी का बिल हटाना है तो हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर हमने किराया जो है बहनों का जो हमने भाजपा की सरकार ने जो आधा किया था वो हमने छीन लेना है। उस समय तो कहते थे ये एक होगी तो 1500, दो होगी तो 3000, तीन होगी तो 4500। उस समय तो ये हर घर में इस तरह की नीतियां बरगलाते थे। युवाओं को जो स्टार्टअप की योजना है ये इनसे पूरी नहीं हो पा रही है। इन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए धनराशि निश्चित की थी कि 15 करोड़ हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बांटेंगे स्टार्टअप योजना में। कहां है वो स्टार्टअप योजना? वो जो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण योजना जो एक आम जनता के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है, वो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से छीन लिया, वो उसकी ये लोग जो हैं लोगों को मदद नहीं दे पा रहे हैं। तो किस तरह की सरकार ये चला रहे हैं? लेकिन अगर अपने लिए इनको चाहिए तो ये अपने लिए सीपीएस भी बनाएंगे, नई नई नियुक्तियां भी करेंगे, नया नया सरकार से जो इनके लोगों को मिल सके वो ये हर तरह का भरपूर जो है सरकारी उसका फायदा उठाना चाहते हैं तंत्र का। तो देखिए दोगली जो नीति है ये जनता जानती है, और मुझे लगता है चलिए आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं जेठी से, लेकिन उज्ज्वल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्ज्वल जी आप थोड़ा सा दोनों पार्टियों को बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त हो गया हिमाचल को वित्तीय संकट का सामना लगातार करना पड़ रहा है, लेकिन नया निवेश कैसे आएगा, पर्यटन इंडस्ट्री को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, थोड़ा सा आप दर्शकों को समझाइए और प्रवक्ता भी सुन रहे हैं दोनों पार्टियों के। देखिए अनिल जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात हो रही है कि हिमाचल में जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रहे हैं और जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट इसमें स्टेप उठा रही है। देखो अनिल जी
ये मानना है कि ये जो फ्री पीस जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में चला है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो ये जो फ्री पीस की जो पॉलिटिक्स है, इस पे कहीं ना कहीं ये विराम लगना चाहिए और ये जो एक फ्यूचर जो स्टेट का फ्यूचर है उसके लिए घातक हो सकता है और हो भी रहा है। देखिए बीजेपी ने प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब 2022 में जो इलेक्शन ईयर था तो उसमें दो तीनों ने जो मेजर डिसीजंस लिए थे उनमें जो इस गवर्नमेंट ने भी रोल बैक किए हैं, जैसे अभी पानी की बात हुई है, जो रूरल एरियाज में पानी के बिल्स हैं वो अब माफ नहीं होंगे। सेकंड जो 125 का जो यूनिट बिजली थी वो जो सब्सिडाइज थी वो भी अब नहीं है। तो ये दो मेजर जो डिसीजन रोल बैक हुए हैं और ये डिसीजन कब लिए गए थे, इलेक्शन के चंद माह पहले। और क्या जरूरत पड़ी इस गवर्नमेंट को उनको रोल बैक करने की, वही है कि आपके पास इतने इनकम सोर्सेज नहीं है, आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है स्टेट का हिल एरियाज होने के नाते, और जो मेजर कुछ ऐसी चीजें हुई है, चाहे आप डिजास्टर का देखिए, ये भी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, जो भी जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको राहत देनी है। जो एक मेजर बात ये भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो स्टेट्स के लिए हुआ था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी वो रिड्यूस हुई है, जैसे 2021 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 करोड़ के आसपास थी, वो उसका जो आकार है वो कम हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। ओवरऑल क्या है कि हिमाचल को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि टूरिज्म यहाँ पे एक मेजर इनकम का रिसोर्स है और उसके लिए वो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बना के जो है वो एक रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। अब बात हो रही है कि जैसे जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो अजय बिनल के पास हैं, एनएसवीसी के पास हैं, उनकी रॉयल्टी की बात हो रही है कि उसका जो हिस्सा है वो हिमाचल को मिले। ओपीएस जहां प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देने की अनाउंसमेंट की है, इसकी जो जो इम्प्लाइज का फंड है उसको लेने की बात हो रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे जिन पे जो है वो ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो कुल मिला के यही है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो तभी क्रिएट हो रही है कि फ्री पीस का जो लाभ हो गया है उससे जो है वो ये लाइबिलिटीज बढ़ रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो बजट है, उसमें 70% है वो बजट जो है वो लोन चुकाने में, इम्प्लॉइज की सैलरी में जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो पैसा ही नहीं है। तो वही बात आखिर की आ रही है कि आप पॉलिसी कैसे लाते हैं, चाहे यहाँ बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, न्यू पॉलिसीज लानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा करना पड़ेगा ताकि कंपनीज यहाँ पे आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, टूरिज्म प्रमोट हो। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिन पे जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है और अब देखना ये पड़ेगा कि वो कितने प्रैक्टिकल हो पाते हैं आगे जो है वो। अभी तो इनिशियल स्टेज है गवर्नमेंट की, आगे ठीक है। कुशल जेटी जी, देखिए सीमा ठाकुर जी जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब दे दीजिए, और जयराम ठाकुर जो हैं लगातार बोल रहे हैं कि मेरे फैसलों को सुक्खू सरकार जो है पलट दे रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं देखो, जो आज का विषय आपने रखा था कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो ये बिजली के ऊपर और ये HRTC के जो किराए बंद किए, जो मुफ्त की रेवड़ियां थी, हमारी बहन सीमा ठाकुर जी ने इस विषय को टच भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो इनके मीडिया प्रकोष्ठ ने इनको लिख के दिया भाषण, उन्होंने जैसे जनसभा भाषण की बात कर दी। हम देखो राजनीतिक इसमें ऊपर उठकर हम और कुछ बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे उज्ज्वल जी ने कहा कि देखो आप ये अपनी कमियों को गिनेंगे नहीं, ना अपनी कमियों को गिनाएंगे, ये अपने अंदर जो कमी है उसके बारे में वो भी सोचना चाहिए। देखो गुण तो आदमी बखान करता है लेकिन अपनी कमियों को बखान नहीं करता। उज्ज्वल जी ने कहा कि ग्रांट हिमाचल प्रदेश की कम कर दी, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में जो इनकम सोर्स वो कम हो रहे हैं, वैसे भी हिमाचल प्रदेश में इनकम सोर्स कम थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, देखो हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, हमारे यहाँ भगवान की दया से ऐसी गरीबी नहीं है कि लोग रोटी मांग कर खाएं, हमारे फिर भी संपन्न लोग हैं, यहाँ पर कोई रात को भूखा नहीं सोता हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप दूसरे प्रदेशों में जाके देखो तो दूसरे प्रदेशों की बहुत हालात खराब है, लेकिन उसी के मुताबिक अगर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, और आपको याद होगा कि पीछे ऐसे एक सर्वे आया था उसमें सुक्खू पौने दो साल के अंदर सबसे ज्यादा टूरिज्म हिमाचल प्रदेश के अंदर आया, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक घोषणा कर रखी मैं हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, ये आत्मनिर्भर कैसे बढ़ेगा?
आत्मनिर्भर अगर हम सरकारी धन को ऐसे लुटाते रहेंगे, सरकारी धन को अपने ऐश के ऊपर खर्च कर देंगे। और हमारी बहन ने कहा कि 6 CPS बना दिए, मेरी बहन को ये पता होना चाहिए। मैं सोलन कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 3 फुल फ्लैज चेयरमैन जयराम ठाकुर जी बना थे, एक छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी है, 3 फुल फ्लैज चेयरमैन थे, एक कंस्टिट्यूएंसी के 3 चेयरमैन है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने लूटने के लिए, धन को बर्बाद किया इन्होंने, इन्होंने धन को, पैसे की कमी नहीं थी, डबल इंजन की सरकार थी हमारी। जब से कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार को तो जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो भी बंद कर दी गई। जो ये कह रहे हैं 1800 करोड़ रुपए दिए, 12000 करोड़ का नुकसान पिछले वर्ष आपदा में हिमाचल प्रदेश को हुआ, 12000 करोड़ में 1800 करोड़ तो ये खुद ही बोलने की 1800 करोड़ रुपए आया, लेकिन वो 1800 करोड़ भी कौन सा रुपया आया जो प्रत्येक भारत के प्रत्येक प्रदेशों को जो है वो रिलीफ फंड मिलता है, इसके आपदा प्रबंधक समिति के तहत वो फंड मिला, कोई उसके एक्स्ट्रा। अभी मैं आज ही मीडिया में पढ़ रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को वायनाड जाने वाले हैं, हवाई सर्वे करने वाले हैं, वायनाड वो जा सकते हैं, उत्तराखंड में आपदा आएगी वहां हवाई सर्वे कर सकते हैं, कहीं भी मतलब तुर्की में भूकंप आया वहां वहां के नौजवानों हमारे जो जहाज है वहां के लोगों को ला सकते हैं, बांग्लादेश से हमारे लोगों को ला सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज तक एक हवाई सर्वे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, जिसको दूसरा घर बोलते हैं, एक किसी का दुख दर्द बांटने की कोशिश नहीं करी। तो ये भेदभाव सिर्फ वोटों की, जब वोट की राजनीति आती तब इनको याद आती है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों से वोट लेनी है, ये मेरा दूसरा घर है। लेकिन हम आज इस विषय के ऊपर, मैं राजनीति नहीं, इस विषय के ऊपर नहीं करना चाहता, राजनीति करने के लिए और विषय होता है, लेकिन सही मैंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जैसे बिजली बोर्ड की 125 यूनिट इन्होंने घोषणा कर दी चुनाव से पूर्व, अगर ये स्थिति रहेगी तो बिजली बोर्ड को बंद होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, HRTC को बंद होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, जल शक्ति विभाग की जो हालात है वो आपके सम्मुख है। तो इसी प्रकार अगर कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे हमारे को, और हमारे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबको, लेंगे, लेकिन आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। कुशल जेटी जी, सीमा ठाकुर सर, ये बोल कब पड़ा ना, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप ग्रांट की बिल देते थे, आप ग्रांट की बात कर रहे हैं, एक बार बिल किसका माफ कर दिया, दूसरी ओर देना पड़ेगा। तो अरे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनी थी, सिलेंडर से सब्सिडी खत्म करी इन्होंने भी, तो क्यों खत्म करी, ताकि इसके ऊपर बोझ पड़ रहा था, तब आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ा। आज सिलेंडर 400 रुपए का सिलेंडर, आज 900 रुपए का आपको सिलेंडर मिल रहा है, तो शुरुआत तो इन्होंने करी। सीमा ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष को बोलिए कि जाइए केंद्र सरकार से पैसा मांगे हिमाचल के लिए। कुशल जेटी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को आगे आकर मदद करनी चाहिए, करा दीजिए ना। सर सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बीजेपी जो है अपना पूरा कर्तव्य निभा रही है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, वो केंद्र में जा चुके हैं, विभिन्न मंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी से इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारी को इनसे ज्यादा समझते हैं और वो इस विषय को लेकर बात कर चुके हैं। लेकिन मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से रहेगा कि जब आप चुनावी घोषणाएं करते हैं, जब आपने चुनाव लड़ना होता है, क्या कांग्रेस पहली बार सरकार बना रही थी हिमाचल में? इससे पहले क्या कांग्रेस ने कभी सरकार नहीं बनाई हिमाचल में? तो मैं आपकी बारी में नहीं बोली हूँ, अब मैंने शांत होकर सुना, आपकी शांत होकर सुनिए। क्या लेकिन घोषणा की बात कर रहे हैं, पहली बार सरकार किसकी थी? क्या कांग्रेस को यह बता कि अगर हम एक महिला को 1500 देंगे, 2 महिला को 300 देंगे और 4 महिला को 6000 फार्म आपको भी मिलेगा? तो कांग्रेस को उन चुनावी घोषणाओं के समय ये पता नहीं था जब हम 130 यूनिट बिजली फ्री में घोषित करेंगे तो उसका क्या प्रभाव जाएगा? क्या कांग्रेस इन विषयों के बारे में जानती नहीं थी? देखिए मैं वही कह रही हूँ कि ये सिर्फ और ये बात कर नहीं जानती थी, सत्ता संभालने के बाद पता लगा मैडम। चेयरमैन बनाए तो हमने वो रोना नहीं रोया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी सरकार तो चल नहीं पा रही, हम मदद नहीं कर सकते, हम आम जनता का हक भी छीनने लग गए हैं और हम CPS बनाएंगे, हम उनको पूरा सरकारी तंत्र देंगे, हम अपने पूरा वो करेंगे। देखिए ये सब जो होता है ना, ये जनता को बरगलाने वाली बात। विकास की बात करो मैडम, विकास क्या किया आपने? बिल्कुल भी पता नहीं था। आपने कुल 6 बढ़ाए सरकार में, लोगों ने बहुत ऐश करी, आपने ऑफर जो होते हैं, आप विकास बनाइए 5 साल का जयराम ठाकुर का, आम जनता को बरगलाना होता है। ठीक है सीमा ठाकुर जी, ठीक है कुशल जेटी जी, उज्जवल जी आप जुड़े, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल को वित्तीय संकट से बाहर कैसे लाया जा सके, कैसे नई नीतियां बनाई जाए और राजस्व जो है हिमाचल का वो बड़े खजाने में पैसा कैसे आए, ये सरकार को सोचना होगा, विपक्ष को बैठकर सोचना होगा, लेकिन आम आदमी पर बोझ
कम कैसे हो, यह भी सरकार को सोचना जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।